गुड आफ्टरनून दोस्तों, 16 सितंबर को ग्रुप डी का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ उसका एनालिसिस लेके हम आए हैं। पहला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन से आया था, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? ये लगातार 3 बार आ चुका है, तो पर्यावरण से संबंधित है, याद रखिएगा। और ये आंदोलन 1973 में शुरू हुआ था उत्तराखंड के चमोली ज़िला में, उत्तराखंड के चमोली ज़िला में इसकी शुरुआत हुई थी। और बात करें, इसके नेता हैं सुंदर लाल बहुगुड़ा, ये इसके नेता थे, याद रखिएगा। तो ये रहा पहला क्वेश्चन चिपको आंदोलन से। दूसरा क्वेश्चन आया था खेलो इंडिया यूथ गेम, तो खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें तो ये चौथा संस्करण अभी संपन्न हुआ है जुलाई में। तो चौथा संस्करण कहाँ पे हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में चौथा संस्करण हुआ है। और किस स्टेडियम में हुआ है? तो इंद्रधनुष स्टेडियम में, पूछे तो बता दीजिएगा। तो इसके 4 संस्करण हो गए। तो पहला संस्करण कहाँ हुआ था अगर आपसे पूछे तो नई दिल्ली 2018 में, दूसरा पुणे में महाराष्ट्र में हुआ था 2019 में, तीसरा गुवाहाटी में हुआ 2020 में, उसके बाद चौथा 2021 में वाला 22 में हुआ है पंचकुला हरियाणा में, और पांचवा होगा कहाँ पे? मध्य प्रदेश भोपाल में, याद रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है। और सबसे ज़्यादा पदक कौन से राज्य जीता? तो याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा पदक कौन जीता? हरियाणा, आपके खेलो इंडिया यूथ गेम चौथे संस्करण में हरियाणा 137 पदक जीता है, दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे कर्नाटक है। आइए तीसरे क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। नेत्रा कुमनन का संबंध किस खेल से है, ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा, बोटिंग से संबंधित है, नाविक हैं ये, इम्पोर्टेंट है नेत्रा कुमनन, और ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला नाविक है। अगला क्वेश्चन आया था न्यायिक पुनर्वलोकन का संबंध, न्यायिक पुनर्वलोकन भारतीय संविधान में कहाँ से लिया गया है? तो याद रखिएगा, अमेरिका से लिया गया है न्यायिक पुनर्वलोकन का संबंध। आपको पता होगा अगर आपके कोई मूल अधिकार का हनन करता है तो आप सुप्रीम कोर्ट के तहत अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, या हाई कोर्ट जाने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत आप जा सकते हैं। मेंडलीफ की आवासाड़ी से क्वेश्चन आए थे, तो मेंडलीफ की आवासाड़ी पूछा गया था प्रकाशित कब हुई, तो इन्होंने शुरू काम कर कब दी मेंडलीफ की आवासाड़ी काम कब शुरू किए थे? 1869 में, लेकिन प्रकाशित कब हुई थी ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा, प्रकाशित 1872 में जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। अगर बात करें जब ये शुरू किए थे तो इनके 63 तत्व केवल ज्ञात थे, आज वर्तमान में 118 तत्व हैं, याद रखिएगा, जिसमें से 94 तत्व क्या हैं? प्राकृतिक हैं, नेचर में पाए जाते हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। और इन जो मेंडलीफ की आवासाड़ी है परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है लगातार है। और बात कर लेते हैं, हम आवासाड़ी की बात कर लेते हैं, तो आवासाड़ी में पहली बार किसने दिया था? डावे राइनर का त्रिक सिद्धांत, सबसे पहले इन्होंने आवासाड़ी के बारे में कुछ कहा, डावे राइनर का त्रिक सिद्धांत इन्होंने दिया। कब आया था डावे राइनर? 1817 में। इन्होंने कहा कितने कितने तत्वों को? लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 को एक साथ बनाए। कहा कि इन दोनों का जो परमाणु भार होंगे उनका औसत सोडियम के बराबर होगा। दूसरा जोड़ा बनाए थे क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन का, और तीसरा त्रिक बनाए थे कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम का, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद पहला प्रयास डावे राइनर हो गए, दूसरा प्रयास किसने किया था? तो याद रखिएगा, न्यूलैंड का अष्टक नियम, ये अष्टक सिद्धांत आए थे। ये 8 तत्वों के बाद कहे कि तत्वों के गुण मिलते जुलते पाए जाएंगे। तो इनका कब प्रकाशन हुआ, कब नियम दिया? 1866 में। आधुनिक अगर पूछ ले, कब आधुनिक आवासाड़ी आई थी, जिसके जनक हैं हेनरी मोजले, ये कब नियम लेके आए, ये कब अपना प्रकाशित किए? 1913 में। तो
मेंडलीव की आषाढ़ी 1872 में प्रकाशित हुई, न्यूलैंड का अष्टक 1866 में, हेनरी मुरले 1913 में और डार्विन आइंद्र का जो त्रिक सिद्धांत है 1817 में। याद रखिएगा ये रहा इतनी बातें। अगला क्वेश्चन है, स्वामी नारायण का संबंध किस राज्य से है? उत्तर प्रदेश गोंडा जिला। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में इनका जन्म हुआ था। इनके गुरु का नाम है स्वामी रामानंद, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था, यूएनईपी का पूरा नाम पूछा गया था, तो याद रखिएगा यूएनईपी का पूरा नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ये पूरा नाम है। भारत 2016 में इंडिया इसमें शामिल हुआ, भारत, याद रखिएगा। इसका हेडक्वार्टर पूछे तो नैरोबी, नैरोबी केन्या में है। यूएनईपी का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। अगर आपसे और पूछ ले कि जरा बताइए इसकी स्थापना कब हुई थी, 1972 में, लेकिन भारत 2016 में इसमें शामिल हुआ था। आगे क्वेश्चन आया था, गुरु पर्व से क्वेश्चन था, गुरु पर्व कब मनाया जाता है, किसके जन्मदिन पर, तो याद रखिएगा गुरु नानक के जन्मदिन पर गुरु पर्व मनाया जाता है। गुरु नानक जो सिखों के गुरु थे, उनके जन्म, सिखों के पहले गुरु गुरु नानक, उनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन था, आवर्त सात में कितने तत्व थे, तो आवर्त सात में 32 तत्व थे, याद रखिएगा आवर्त सात में आज 32 तत्व हैं। तो ये रहा कुछ क्वेश्चन, आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिएगा, रामानुजन अवार्ड 2021 किसे दिया गया, तो याद रखिएगा नीना गुप्ता को। ये रिपीट क्वेश्चन है, ग्रुप बी में नीना गुप्ता को दिया गया है। और बात कर लेते हैं अवार्ड की बात लगातार, जैसे अगर आपसे पूछा जाए पेटा अवार्ड 2021 में किसे दिया गया, पेटा पर्सन अवार्ड जो है आलिया भट्ट को दिया गया है। पेटा अवार्ड किसे दिया गया था, तो याद रखिएगा पूछा जा सकता है आलिया भट्ट, आलिया भट्ट को। कवच प्रणाली कहाँ पे लागू हुई है, तो याद रखिए कवच प्रणाली रेलवे में लागू हुई है। रेलवे आपस में, दो रेलवे ना टकराएं, दो रेलगाड़ी ना टकराएं, इसके लिए, तो ये किस सिद्धांत पे काम करती हैं, एटीपी सिद्धांत पे काम करती हैं, जिसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन, जो जब दो ट्रेन एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर आएंगी तो अपने आप इनमें ब्रेक लग जाएगा, रुक जाएंगी, ये है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन। इसको विकसित किसने किया, आरडीएसओ ने विकसित किया है। आरडीएसओ ने इसको क्या किया है, विकसित किया है। अगला क्वेश्चन आया था, दीन ए इलाही, दीन ए इलाही के शुरुआत किसने किया, तो याद रखिएगा अकबर ने। दीन ए इलाही की शुरुआत किसने किया है, अकबर ने, कब किया था, 1582 में। जितने सभी धर्मों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, इसलिए दीन ए इलाही की शुरुआत किया है अकबर 1582 ईस्वी में, सभी धर्मों को समान बनाने के लिए। अगला क्वेश्चन है, जुम्मे की नमाज कब पढ़ी जाती है, तो याद रखिएगा शुक्रवार को जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2021 में भारत ने हॉकी में किसे हराकर, तो जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता था, याद रखिएगा जर्मनी को हरा करके कांस्य पदक जीता था ओलंपिक में भारत, ठीक है। ये भी क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ चुका था, यहाँ भी आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन है, तो मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है, ये क्वेश्चन आ चुका था। अगला क्वेश्चन आया था, मसौदा समिति, मसौदा समिति या इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति, इसी को कहा जाता है पांडुलेखन समिति, या इसी को कहा जाता है प्रारूप समिति, इसी को कहा जाता है, एक नाम और है प्रारूप समिति, तो इसके अध्यक्ष पूछा गया था, ये इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो प्रारूप समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। इसमें कितने सदस्य थे, टोटल 7 सदस्य थे। नाम क्या क्या है, कृष्ण, एक ट्रिक बता देते हैं, कृष्ण के मित्र माधव का खट्टा समोसा, समोसा भीम खा गए, खा गए, ये ट्रिक है। तो कृष्ण से क्या बनेगा, कृष्णा स्वामी, कृष्णा स्वामी, और कृष्ण की पर्यायवाची आप जानते हैं कन्हैया, कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, और कृष्ण की प्रवाची टीटी कृष्णामचारी, कृष्णामचारी, और कृष्ण से एक और बनेगा गोपाला स्वामी अय्यर, गोपाला स्वामी, माधव से माधव राव,
मित्र से बीएल मित्र, बीएल मित्र। आइए अलग पेज पे बताते हैं। कृष्ण के मित्र, कृष्ण के मित्र माधव का खट्टा समोसा भीम खा गए। तो कृष्ण से पहला हो जाएंगे कृष्णा स्वामी, दूसरा हो गए कन्हैयालाल, कन्हैयालाल, तीसरे हो गए टीटी कृष्णामाचारी, और एक हो गए गोपाला स्वामी। बीएल मित्र हो गए माधव राव हो गए, खट्टा से डीपी खेतान हो गए, समोसा से सैयद मोहम्मद सादुल्ला, और भीम से बीआर अम्बेडकर साहब हो गए, बीआर अम्बेडकर। तो बीएल मित्र की जगह पे बाद में कौन आ गए थे, माधव राव की जगह पे आए थे, और डीपी खेतान की जगह पे बाद में कौन आ गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी जगह पे आ गए थे, इनकी तबीयत ख़राब हो गई, रिटायर दिए थे, तो इनकी जगह पे आ गए थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो टोटल ये 7 लोग थे, और इसमें अध्यक्ष पूछा गया था आपके एग्जाम में, तो अध्यक्ष कौन थे याद रखिएगा, बी आर अम्बेडकर। क्वेश्चन बनता है कि माधवराव किसकी जगह पे आए थे, तो बीएल मित्र की जगह पे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला किसकी जगह पे आए थे, डीपी खेतान की जगह पे आए थे। तो ये रहा आपके प्रारूप समिति के बारे में। अगला क्वेश्चन आपका आया था अनुसूची 8 से संबंधित क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थे, तो अनुसूची 8 की आइए चर्चा कर लेते। अनुसूची जो 8 है, अनुसूची आठ ये भाषा से संबंधित है। जो भारत में 22 भाषा है, शुरू में कितनी भाषा थी, तो याद रखिएगा शुरू में 14 भाषा थी, बाद में 8 भाषा ऐड हुई, तो वर्तमान में आपकी अनुसूची 8 में कुल 22 भाषा है। और 22 भाषा की बात करें तो जैसे इसका ट्रिक बता देते हैं, सिंध का नमक बदमाश ले गए। आइए चर्चा कर लेते हैं ये 60 भाषा कैसे ऐड हुआ है। तो सिंध से हो जाएगा सिंधी, सिंधी। ये 21वां संविधान संशोधन 1967 में जोड़ा गया 15वें भाषा के रूप में। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, और क से कोकड़ी, ये 3 भाषा आया था 71वां संविधान संशोधन 1992 में। और वैसे आ गया आपका बोडो, बोडो। ड से आ गया डोंगरी, मा से आ गया आपका मैथिली, से आ गया संथाली, संथाली। ये 4 भाषा आए थे आपके 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 1992 में। तो ये रहे आपके 4, 3, 7, 1, 8 भाषा, टोटल 22 भाषा अनुसूची 8 में है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके बार बार एग्जाम में आ रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है शंकराचार्य विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो याद रखिएगा ये केरल में है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के ग्रुप डी में आ जाया था। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे, तो याद रखिएगा ऋषभ देव जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं। और अंतिम अगर आपसे कल वाले पेपर में अंतिम पूछा था, तो अंतिम कौन है, महावीर स्वामी थे, याद रखिएगा महावीर स्वामी अंतिम तीर्थंकर हैं, 24वां तीर्थंकर हैं, याद रखिएगा। तो ये आज के क्वेश्चन का एनालिसिस था। दोपहर वाले के एनालिसिस हम लोग सामने करेंगे। अगर ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।